गाइस तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और मार्केट को ज्ञान का सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले विसागर फाइनेंशियल के बारे में, और जिस कंपनी का पूरा नाम है विसागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, NSE और BSE में रजिस्टर्ड है। विसागर नाम से BSE में रजिस्टर्ड है दोस्तों। और हाँ, ये 3 रुपये 23 पैसे में ट्रेंड कर रहा है, जो कि 15 पैसे का उछाल मारा है। लगभग इसे 4 रुपये का हो चुका होगा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अभी एंट्री पॉइंट गुड नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट स्टॉक इट्स ओवर वैल्यूड है स्टॉक दोस्तों। डिविडेंड नहीं देती कंपनी, आपको पता होगा। रिटर्न और FD में बेटर रिटर्न नहीं देती, रिटर्न FD से भी ज़्यादा। और इन सफिशेंट डाटा की बात करें जो कि बेसिक से प्रो है, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करें 5.33% था। उसके बाद वहीं बात करें हम फाइनेंशियल ईयर 2019 की 1.07% था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो कि 66.58% था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। टोटल रेवेन्यू की बात करें 2021 में तो 66.58% था, जैसे मैंने आपको बताया। वहीं PBIT की बात करें -0.35%। टोटल इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 11.71%, जो कि थोड़ी सी कम हुई है, 1% के आसपास गिरावट आई है 2018 के लेते तो। वहीं इस शेयर की हम बात करें टोटल एसेट्स की, जो कि 14.10 करोड़। वहीं हम बात करें करंट लिबिलिटीज की, 2.39 करोड़ है। वहीं इसकी बात करें फाइनेंशियल ईयर नेट कैश स्टेटमेंट, आप जरूर ध्यान में रखिए। वहीं फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2021 में नेट चेंज इन कैश में -0.04 था। वहीं फ्री कैश है कंपनी के पास -0.04 लाख खाते में है। कंपनी को पहले बताया था इसके 52 हफ्तों की लो की बात करें 0.38 रुपये गया है। वही हाई गया है 3 रुपया 23 पैसा या 4 रुपया तक पहुंच चुका होगा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँगा।